झोला छाप डॉक्टर प्रवीण विश्वास मल्लिका की बदौलत अपना भाग्य बदलना चाहता था, लेकिन उसकी असलियत जानकर मल्लिका उसे छोड़कर जाने लगी। पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना के थाना गोपाल नगर के गांव पावन के रहने वाले प्रभात विश्वास गांव में रहकर खेती करते थे। पत्नी, दो बेटों और एक बेटी के उनके परिवार का गुजरबसर इसी खेती की कमाई से होता था। उसी की कमाई से वह बच्चों को पढ़ा लिखा भी रहे थे और सयानी होने पर बेटी की शादी भी कर दी थी। प्रभात ने बेटी प्रीति की शादी अपने ही जिले के गांव चलमंडल के रहने वाले श्रवण विश्वास के साथ की थी। श्रवण विश्वास झोला छाप डॉक्टर था, जो चांदसी दवाखाना के नाम से उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना वाह के कस्बा जरार में अपनी क्लिनिक चलाता था। श्रवण की क्लिनिक बहिया चल रही थी, इसलिए उससे प्रेरणा लेकर प्रभात विश्वास का बड़ा बेटा प्रवीण बहनोई की तरह झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई के साथ साथ किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी करने लगा था। ग्रेजुएशन करते करते वह डॉक्टरी के काफी गुण सीख गया तो बहनोई की तरह अपनी क्लिनिक खोलने के बारे में सोचने लगा। क्लिनिक खोलने की पूरी तैयारी करके प्रवीण आगरा के कस्बा जरार में क्लिनिक चला रहे अपने बहनोई श्रवण के पास आ गया। कुछ दिनों तक बहनोई के साथ काम करने के बाद जब उसे लगा कि अब वह खुद क्लिनिक चला सकता है, तो वह अपनी क्लिनिक खोलने के लिए स्थान खोजने लगा। प्रवीण के एक परिचित पी के राय आगरा के ही कस्बा रुनकता में क्लिनिक चलाते थे। उन्हीं की मदद से उसने रुनकता में एक दुकान लेकर बंगाली दवाखाना के नाम से क्लिनिक खोल ली। रहने के लिए हाजी मुस्तकीम के मकान में 800 रुपए महीने के किराए पर एक कमरा ले लिया। मुस्तकीम का अपना परिवार सामने वाले मकान में रहता था। उस मकान में केवल किराएदार ही रहते थे। डॉक्टर प्रवीण का कमरा अन्य किराएदारों से एकदम अलग था। प्रवीण विश्वास दिन भर अपनी क्लिनिक पर रहता था और रात को कमरे पर आ जाता। अकेला होने की वजह से उसे अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। वह जिस हिसाब से मेहनत कर रहा था, उस हिसाब से उसकी कमाई नहीं हो रही थी, इसलिए अपने हालात से वह खुश नहीं था। लेकिन उसका व्यवहार ऐसा था कि उससे हर कोई खुश रहता था। इसके बावजूद प्रवीण की किसी से दोस्ती नहीं हो पाई थी। इसकी वजह शायद ये भी थी कि वह एक ऐसे शहर का रहने वाला था जहां का खान पान, रहन सहन और बात व्यवहार सब कुछ वहां के रहने वालों से अलग था। इस स्थिति में प्रवीण थोड़ा परेशान सा रहता था। एक दिन वह किसी सोच में डूबा था कि उसके फोन की घंटी बजी। उसका फोन डुअल सिम वाला था। एक सिम उसने आगरा के नंबर का डाल रखा तो दूसरा सिम 24 परगना के नंबर का था। वैसे यहाँ 24 परगना वाले नंबर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अपना पुराना नंबर इसलिए बंद नहीं किया था कि घर जाने पर शायद इसकी जरूरत पड़े। घंटी बजी तो प्रवीण की नज़र मोबाइल के स्क्रीन पर गई। फोन 24 परगना वाले सिम के नंबर पर आया था। स्क्रीन पर जो नंबर उभरा था वह भी 24 परगना का ही लग रहा था। प्रवीण ने जल्दी से फोन रिसीव कर लिया। हेलो, कौन? उसके हेलो कहते ही दूसरी ओर से किसी लड़की ने मधुर आवाज में कहा, सॉरी, गलती से आपका नंबर लग गया। प्रवीण कुछ कहता उसके पहले ही फोन कट गया। लड़की की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने कान में शहद घोल दिया है। प्रवीण का मन एक बार फिर उसकी आवाज सुनने के लिए होने लगा। आवाज पलट कर फोन करके ही सुनी जा सकती थी, लेकिन ये ठीक नहीं था। इसलिए वह सोचने लगा कि फोन करने पर लड़की बुरा मान सकती है, लेकिन मन नहीं माना तो डरते डरते उसने पलट कर फोन कर ही दिया। दूसरी ओर से फोन रिसीव करके लड़की ने कहा, अपनी गलती के लिए मैंने सॉरी तो कह दिया, अब कितनी बार माफी मांगूं? आप गलत सोच रही हैं। मैंने आपको फोन इसलिए नहीं किया कि आप दोबारा माफी मांगें। आपकी आवाज मुझे बहुत प्यारी लगी, उसे सुनने के लिए मैंने फोन किया है। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप कुछ अपनी कहें और कुछ मेरी सुनें। प्रवीण का इतना कहना था कि उसके कानों में खिलखिलाकर हंसने की आवाज पड़ी। प्रवीण खुश हो गया कि लड़की ने उसकी इस हरकत का बुरा नहीं माना। हंसी रोककर उसने कहा, तो ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? यही समझ लीजिए, प्रवीण ने कहा, आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? क्यों नहीं, बातचीत से तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं। जी, मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ नौकरी करते हैं? लड़की ने पूछा। नौकरी नहीं करता, मेरी अपनी क्लिनिक है। तब तो मैं आपको अपना दोस्त बनाने को तैयार हूँ। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई तो बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। प्रवीण 24 परगना का रहने वाला था तो वह लड़की भी वहीं की रहने वाली थी। लड़की ने अपना नाम मल्लिका बताया था, लेकिन सब उसे मोनिका कहकर बुलाते थे। प्रवीण ने भी उसे अपना नाम बता दिया था। दोनों की ही भाषा बंगाली थी, इसलिए दोनों अपनी भाषा में बात करते थे। प्रवीण ने मल्लिका को यह भी बता दिया था कि वह रहने वाला तो 24 परगना का है, लेकिन उसकी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के आगरा के एक कस्बे में है। धीरे धीरे दोनों में लंबी लंबी बातें होने लगीं।
इसी तरह 6 महीने बीत गए। प्रवीण ने मल्लिका को अपने बारे में काफी कुछ बता दिया था, लेकिन मल्लिका ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वह प्रवीण के लिए रहस्य बनी रही। प्रवीण ने जब उस पर दबाव डाला तो एक दिन उसने कहा, यही क्या कम है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बस तुम मुझे अपनी प्रेमिका के रूप में जानो। मल्लिका ने जब कहा कि वह उससे प्यार करती है तो प्रवीण ने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी जब इच्छा हो आ जाओ, समझ लो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मल्लिका ने कहा। मल्लिका का इस तरह आमंत्रण पाकर प्रवीण फूला नहीं समाया। वह इस बात पर विचार करने लगा कि मल्लिका को अपनी जिंदगी में आने के लिए तैयार कैसे करे। अब वह सपनों में जीने लगा था। इस तरह के सपनों की दुनिया बहुत ही रंगीन और हसीन होती है। उसने अपने प्यार को कल्पनाओं का रंग देकर एक खूबसूरत चेहरे का अक्स बना लिया था। हर वक्त वह उसी में खोया रहता था। वह 24 परगना जाकर मल्लिका से मिलना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जब मल्लिका की बातों ने उसे प्यार में पागल कर दिया तो कामधाम छोड़कर प्रवीण 24 परगना जा पहुंचा। मल्लिका को उसने अपने आने की सूचना दे दी थी, इसलिए घर पहुंचते ही उसने मल्लिका से मिलने का स्थान और समय तय कर लिया। मल्लिका ने उसे अगले दिन 24 परगना के बस स्टॉप पर दोपहर को बुलाया था। प्रवीण तय जगह पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर में उसे एक खूबसूरत औरत आती दिखाई दी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर यही मल्लिका होती तो कितना अच्छा होता। प्रवीण उस औरत को एकटक ताकते हुए मल्लिका के बारे में सोच रहा था कि तभी वह औरत फोन निकालकर किसी को फोन करने लगी। प्रवीण के फोन की घंटी बजी तो उसका दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से पूछा गया, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ। प्रवीण के मुंह से यह वाक्य अपने आप निकल गया। कान से फोन लगाए हुए ही उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो प्रवीण? हाँ, मैं ही प्रवीण हूँ जिसे तुम इतने दिनों से तड़पा रही हो। अब तड़पने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मल्लिका को देखकर प्रवीण फूला नहीं समाया, क्योंकि उसने अपने ख्वाबों में मल्लिका की जो तस्वीर बनाई थी वह उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वह लग भी ठीक ठाक परिवार की रही थी। यहीं खड़े रहोगे या चलकर कहीं एकांत में बैठोगे, मल्लिका ने कहा तो प्रवीण को होश आया। प्रवीण उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। चाय नाश्ते के साथ बातचीत शुरू हुई तो मल्लिका ने गंभीरता से कहा, प्रवीण तुम सच सच बताना मुझे कितना प्यार करते हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो? अगर प्यार करने की कोई नापतौल होती तो नापतौल कर बता देता। बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ? प्रवीण ने मल्लिका के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, जब तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो मुझे भी अब तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। प्रवीण, मैं शादीशुदा ही नहीं, मेरा 10 साल का एक बेटा भी है। मेरा पति कुवैत में रहता है, जिसकी वजह से हमारी मुलाकातें 2 साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए हो पाती हैं। मैं यहाँ सास ससुर के साथ रहती हूँ। पति के उतनी दूर रहने की वजह से प्यार के लिए तड़पती रहती हूँ। मल्लिका की सच्चाई जान सुनकर प्रवीण सन रह गया, जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। जिसे वह जान से ज्यादा प्यार करता था वह किसी और की अमानत थी, ये जानकर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसकी हालत देखकर मल्लिका ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं प्रवीण, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम। मैं तुम्हारे लिए पति और बेटा तो क्या ये दुनिया तक छोड़ सकती हूँ? प्रवीण ने होश में आकर कहा, सच तुम मेरे लिए सबको छोड़ सकती हो? हाँ, तुम्हारे लिए मैं सबको छोड़ ही नहीं सकती, जान तक दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे मंझधार में मत छोड़ना। तुम डॉक्टर हो इसलिए मेरे दिल का दर्द अच्छी तरह समझ सकते हो। बोलो, धोखा तो नहीं दोगे? मल्लिका गिड़गिड़ाई। मल्लिका की इस बात से प्रवीण ने थोड़ी राहत महसूस की। इसके बाद कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, अब तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी ना? हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी, मल्लिका ने कहा। चलो अब यहाँ से कहीं और चलते हैं। प्रवीण मल्लिका को पूरी तरह अपनी बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक मध्यम वर्गीय होटल में कमरा बुक कराया और मल्लिका को उसी में ले गया। एकांत में होने वाली बातचीत में प्रवीण जान गया कि मल्लिका के मायके और ससुराल वाले काफी संपन्न लोग हैं। उसका पति कुवैत में नौकरी करता था। उस समय भी वह लगभग 4-5 तोले सोने के गहने पहने थी। होटल के उस कमरे में एकांत का लाभ उठाकर प्रवीण ने मल्लिका को अपनी बना लिया।
उसने मल्लिका के बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि वह डॉक्टर है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है। प्रवीण के डॉक्टर होने का मतलब मल्लिका ने ये लगाया था कि वह पढ़ा लिखा होगा, इसलिए अन्य डॉक्टरों की तरह ये भी खूब पैसे कमा रहा होगा। यही सोचकर वह उसके साथ रहने के बारे में सोच रही थी, जबकि स्थिति इसके विपरीत थी। प्रवीण झोला छाप डॉक्टर था। उसने क्लिनिक जरूर खोल ली थी, लेकिन उसकी कमाई से किसी तरह उसका खर्च पूरा होता था। मल्लिका के बारे में जानकर अब वह उसकी बदौलत अपना भाग्य बदलने के बारे में सोच रहा था। मल्लिका की शादी 24 परगना के थाना गोपालपुर के कस्बा चलमंडल के रहने वाले कृष्णा से हुई थी। 24 परगना शहर में उसकी विशाल कोठी थी। ससुराल में मल्लिका को किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी सिर्फ यही थी कि पति कुवैत में रहता था और वह यहाँ सास ससुर के साथ रहती थी। वह पति के साथ रहना चाहती थी, जबकि कृष्णा उसे कुवैत ले जाने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि अगर दोनों कुवैत चले गए तो माँ बाप यहाँ अकेले पड़ जाएंगे। मल्लिका बेटे अपूर्ण में मन लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन बेटा बड़ा हो गया तो उसे पति की कमी खलने लगी थी। उसकी जवान उमंगे तन्हाई में दम तोड़ने लगी थी। उसके जिस्म की भूख उसे बेचैन करने लगी थी। ऐसे में ही उसका फोन गलती से प्रवीण के मोबाइल पर लग गया तो दोनों की दोस्ती ही नहीं हुई, अब मेल मिलाप भी हो गया था। उसके बाद उसकी जैसे दुनिया ही बदल गई थी। मुलाकात के बाद जिस्म की भूख भी बढ़ गई और प्यार भी। कुछ दिन गांव में रहकर प्रवीण वापस आ गया। अब दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होने लगी। मल्लिका उसके सहारे आगे की जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि कृष्णा में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसलिए उसकी परवाह किए बगैर एक दिन उसने प्रवीण से कहा, भाई इस तरह कब तक चलेगा? आखिर हमें कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। इस विषय पर फोन पर बात नहीं हो सकती। दुर्गा पूजा पर मैं घर आऊंगा तो बैठकर बातें करेंगे, प्रवीण ने कहा और घर जाने की तैयारी करने लगा। दुर्गा पूजा के दौरान दोनों की मुलाकात हुई तो तय हुआ कि इस बार प्रवीण आगरा जाएगा तो मल्लिका भी उसके साथ चलेगी। वहां दोनों शादी करके आराम से रहेंगे। उस समय मल्लिका ने ये भी नहीं सोचा कि कृष्णा घर परिवार से उतनी दूर उसके और बच्चे के सुख के लिए ही पड़ा है। अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए उसने अपने 10 साल के बेटे की चिंता भी नहीं की। जिस दिन मल्लिका को प्रवीण के साथ जाना था, वह सास से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। सुबह की निकली मल्लिका जब रात तक घर नहीं लौटी तो सास ने उसकी तलाश शुरू की। घर में कोई था नहीं, इसलिए फोन करके खास खास रिश्तेदारों को बुला लिया। जब मल्लिका का कुछ पता नहीं चला तो कृष्णा को फोन किया गया। पत्नी के लापता होने की सूचना मिलते ही कृष्णा आ गया। उसने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी तो पुलिस भी मल्लिका की तलाश करने लगी। प्रवीण मल्लिका को लेकर पहले जरार में रह रही अपनी बहन के यहाँ गया। बहन प्रीति ने जब मल्लिका के बारे में पूछा तो प्रवीण ने बताया कि यह उसकी पत्नी है, उसने उससे शादी कर ली है। खूबसूरत मल्लिका को देखकर प्रीति बहुत खुश हुई। उसने भाई और कथित भाभी मल्लिका की खूब आवभगत की। बहन के घर रहते हुए प्रवीण ने मल्लिका के साथ नागपुर जाने की योजना बनाई। 18 अक्टूबर 2014 को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से उसने रिजर्वेशन भी करवा लिया, लेकिन न जाने क्यों उसने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया और मल्लिका को लेकर रुनकता स्थित अपने कमरे पर आ गया। मल्लिका ने रुनकता स्थित प्रवीण का कमरा और क्लिनिक देखा तो सन रह गई। वह जो सोचकर प्रवीण के साथ आई थी, यहाँ उसका एकदम उल्टा था। प्रवीण की असलियत जानकर वह बेचैन हो उठी। उसने गाड़ी बंगला नौकर चाकर का जो सपना देखा था, उस सब पर पानी फिर गया था। मल्लिका समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वह फंस चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। सिर्फ शारीरिक सुख से तो जिंदगी बीत नहीं सकती थी, इसलिए वह इस बात पर विचार करने लगी कि आगे क्या किया जाए। प्रवीण अगले दिन मल्लिका को ताजमहल दिखाने ले गया। वहां उसने उसके साथ फोटो भी खिंचवाए। प्रवीण शायद मल्लिका के मन की बात भांप गया था, इसलिए वह उसे समझाने लगा कि जल्दी ही वह दूसरा मकान ले लेगा, बाजार में कोई अच्छी सी दुकान लेकर भैया क्लिनिक खोल लेगा। अभी तक वह अकेला रहता था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने से उसे चिंता होने लगी है। दिवाली पर प्रवीण मल्लिका के साथ अपनी बहन के यहाँ जरार गया, लेकिन अगले ही दिन वापस आ गया। प्रवीण की लाख कोशिश के बावजूद मल्लिका का मन बदल चुका था। वह समझ गई थी कि यहाँ जल्दी कुछ बदलने वाला नहीं है। उसे बेटे की भी याद आने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था,
इसलिए उसने जरार से रुनकता आते समय रास्ते में ही प्रवीण से कह दिया था कि इस स्थिति में वह उसके साथ नहीं रह सकती। घर पहुंचकर मल्लिका वापस जाने की तैयारी करने लगी। प्रवीण उसे समझाने लगा कि अब वह उसके बिना अकेला नहीं रह पाएगा। प्रवीण को इस बात की भी चिंता सता रही थी कि मल्लिका अपने साथ जो लाखों के गहने और नकद ले आई है उसे भी अपने साथ ले जाएगी, फिर तो इतनी मेहनत करके भी वह कंगाल का कंगाल रह जाएगा। 25 अक्टूबर को भैया दूज थी, इसलिए क्लिनिक बंद थी। पूरा दिन प्रवीण मल्लिका को समझाता रहा, लेकिन किसी भी तरह मल्लिका रुकने को तैयार नहीं थी। प्रवीण को मल्लिका के जाने की उतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता उसके गहनों और रुपयों को साथ ले जाने की थी। इसलिए उसने सोच लिया कि भले ही उसे मल्लिका की हत्या करनी पड़े, लेकिन वह साथ लाया माल मल्लिका को ले नहीं जाने देगा। यही सोचकर वह रात 8 बजे के आसपास मुस्तकीम की दुकान से कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें खरीद लाया। मल्लिका की नज़र बचाकर उसने एक बोतल में नशे की दवा मिला दी। इसके बाद उस बोतल को मल्लिका को देकर दूसरी बोतल खुद पीने लगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए भी उसने मल्लिका से कहा कि वह जिद छोड़ दे, लेकिन मल्लिका ने साफ साफ कह दिया कि अब वह यहां रुककर जिंदगी बर्बाद करने वाली नहीं है। इसके बाद प्रवीण चुप हो गया। कोल्ड ड्रिंक पीकर मल्लिका बेहोश हो गई तो खिड़की दरवाजा बंद करके प्रवीण ने बांका से मल्लिका का गला रेत दिया। बेहोश होने की वजह से मल्लिका चीख भी नहीं सकी। गुस्से में प्रवीण ने मल्लिका की हत्या तो कर दी, लेकिन लाश देखकर परेशान हो उठा कि अब क्या करे। उसे पुलिस और कानून का डर सताने लगा। पुलिस से बचने के लिए उसने कहीं और भाग जाने का विचार किया। लाश को कंबल से ढक कर वह कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला लगाकर सड़क पर चलने लगा। मल्लिका के कुछ गहने और 1500 रुपये नकद उसके पास थे। वह उन्हीं से कहीं दूर जाकर अपनी गृहस्थी बसाना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि वह कहीं भी चला जाए पुलिस और कानून से बच नहीं पाएगा। सुबह किसी ने कस्बे से थोड़ी दूर पर रेल की पटरी के किनारे एक क्षतविक्षत लाश देखी। पुलिस को सूचना दी गई तो थाना सिंहकद्रा के थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। मृतक के पास एक बैग था जिसकी तलाशी में कुछ कपड़े और गहने के साथ 1500 रुपये मिले। इसके बाद मृतक की तलाशी में उसकी जेब से आधार कार्ड मिल गया जिससे उसकी शिनाख्त हो गई। वह लाश किसी और की नहीं, रुनकता कस्बे में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर प्रवीण विश्वास की थी। पुलिस को जब बताया गया कि इसके घर में इसकी नवविवाहिता पत्नी भी है तो थाना प्रभारी ने उसे सूचना देने के लिए एक सिपाही को भेजा। कमरे में बाहर से ताला बंद था। अब सवाल ये था कि उसकी पत्नी कहाँ गई। किसी ने खिड़की की झिरी से झांक कर देखा तो अंदर एक महिला की लाश दिखाई दी। पुलिस ने ताला तोड़वाया तो पता चला कि अंदर पड़ी लाश उसकी नवविवाहिता पत्नी की थी। पुलिस ने कार्रवाई करके दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दीं। प्रवीण के कमरे में मिली डायरी से उसके बहनोई श्रवण विश्वास का फ़ोन नंबर मिल गया तो पुलिस ने उसे फ़ोन करके डॉक्टर प्रवीण की आत्महत्या और उसकी पत्नी की हत्या की सूचना दे दी। श्रवण पत्नी प्रीति के साथ रुनकता पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने उसी की ओर से प्रवीण के खिलाफ मल्लिका की हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद आत्महत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को डॉक्टर प्रवीण विश्वास के पास से एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी कान के टॉप्स, 2 जोड़ी बच्चों के चांदी के कड़े और 1500 रुपये नकद मिले थे। मल्लिका कान में टॉप्स, गले में चेन, अंगूठियां और नाक में जो कील पहने थी वे उसके शरीर पर मौजूद थे। पुलिस ने मल्लिका के पास से मिले मोबाइल फ़ोन से एक नंबर मिलाया। संयोग से वह उसके पति कृष्णा का था। बातचीत के बाद पुलिस ने जब उसे मल्लिका की हत्या की सूचना दी तो उसने जल्दी से जल्दी आगरा पहुंचने की बात कही। कृष्णा ने कहा ही नहीं बल्कि अगले दिन अपने चाचा विश्वजीत के साथ आगरा आ पहुंचा। उसने आगरा में ही मल्लिका का अंतिम संस्कार कर दिया। उसका कहना था कि मल्लिका शर्मा और फूलबाग थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा मौके पर पहुंचे। वहां पुलिस को एक युवती नशे की हालत में मिली। पुलिस ने उसी दिन देर शाम महिला को सिविल अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल कराया। पुलिस इस होटल से कुछ लोगों को पकड़कर फूलबाग थाने ले गई जहां उनसे पूछताछ की गई। दूसरे दिन तबीयत सुधरने पर पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली के जनकपुरी इलाके की रहने वाली है और इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है। उसने कुछ समय पहले दिल्ली के पीतमपुरा निवासी राकेश मंगल की पत्नी के जन्मदिन की पार्टी का इवेंट मैनेज किया था। इसी वजह से वह राकेश मंगल के संपर्क में थी। घटना से कुछ दिन पहले राकेश मंगल ने उसे बताया था कि राजस्थान के अलवर में उनकी एक कंपनी है, इस कंपनी में बड़ा इवेंट करना है। इस इवेंट की जिम्मेदारी संभालने के लिए राकेश ने उस महिला को राजी कर लिया।
राकेश मंगल 5 मई को महिला को अलवर स्थित अपनी कंपनी की साइट दिखाने और इवेंट के बारे में बताने के लिए कार में बैठाकर दिल्ली से अलवर के लिए ला रहा था। दिल्ली पार करके जब गुड़गांव भी निकल गया तो मन टटोलने के लिए राकेश ने उस महिला से चाय नाश्ते के बारे में पूछा। महिला ने सुबह से भूखा होने के कारण चाय नाश्ते की सहमति दे दी। इस पर राकेश मंगल ने कहा कि कुछ ही देर में भिवाड़ी आने वाला है, भिवाड़ी में कई अच्छे होटल हैं, वहां रुककर चाय वगैरह पियेंगे। राकेश मंगल ने भिवाड़ी में बाईपास स्थित एक होटल में चाय नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। इस होटल में राकेश मंगल के 4 साथी पहले से मौजूद थे। इनमें राकेश के एक साथी विकास जिंदल ने होटल में पहले ही 3 कमरे बुक करा रखे थे। महिला को होटल में कमरे बुक होने का पता नहीं था। महिला ने पुलिस को बताया कि राकेश मंगल और उसके साथियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद 5 लोगों ने होटल के कमरे में उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में होश आने पर पीड़ित महिला ने अपनी सहेली को मोबाइल से मैसेज और लोकेशन भेजकर मदद की गुहार की। पीड़िता की सहेली ने भिवाड़ी पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। गिरफ्तार हुए 5 आरोपी भिवाड़ी पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर फूलबाग थाने में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उसी दिन यानी 6 मई को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें दिल्ली के पीतमपुरा निवासी राकेश मंगल, फ्रेंड्स एनक्लेव नांगलोई के विष्णु बंसल, रामपुरा लॉरेंस रोड के विकास जिंदल, रोहिणी निवासी संजय गर्ग और संदीप कौशिक शामिल थे। पुलिस ने 5 आरोपियों का भी मेडिकल कराया। ये 5 आरोपी आपस में दोस्त और संपन्न परिवारों से थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को उसी दिन अलवर लाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड अवधि पूरी होने पर 7 मई को पुलिस ने 5 आरोपियों को भिवाड़ी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया। मजिस्ट्रेट दीपिका सिंह ने 5 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में किशनगढ़ बास उप कारागृह भेज दिया। दूसरी ओर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़ित महिला के धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा दिए। इस मामले में भिवाड़ी की फूलबाग थाना पुलिस ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद अदालत में चालान पेश कर दिया। पुलिस ने चालान में 5 आरोपियों को गैंगरेप का दोषी माना। यह मामला अब अदालत में विचाराधीन है। देखा जाए तो इस कहानी को यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मामले की कहानी का अभी केवल मध्यांतर ही हुआ है। कहानी का अगला अध्याय अब दिल्ली में शुरू होगा। अभी तक आपके जेहन में यह सवाल तेजी से घूम रहा होगा कि गैंगरेप की इस कहानी में 251 रुपये में मोबाइल देने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स का MD मोहित गोयल तो सामने ही नहीं आया। आपको सवाल का जवाब आगे की कहानी में मिलेगा। आरोपियों से मांगे 10 करोड़। दरअसल इस मामले में चालान पेश होने के बाद नया मोड़ आ गया। पीड़ित महिला ने गैंगरेप का मामला वापस लेने या इस मामले में सुनवाई के दौरान बयान बदलने के लिए आरोपियों से 10 करोड़ रुपए मांगे थे। बाद में बिचौलियों के माध्यम से 2.5 करोड़ में सौदा तय हो गया। इस समझौते के तहत बिचौलियों के माध्यम से पीड़ित महिला को 1.10 करोड़ रुपये दे दिए गए थे। ये रकम बिचौलियों ने ली थी। पीड़ित महिला इस दौरान सामने नहीं आई थी। बाकी रकम की दूसरी किस्त के रूप में 30 लाख रुपए 10 जून को दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस इलाके में एक शॉपिंग मॉल में देने की बात तय हुई। इस बीच गैंगरेप के एक आरोपी के भाई ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस पुलिस थाने में इस बात की शिकायत कर दी। इसके साथ ही महिला और बिचौलियों से सौदेबाजी की बातचीत की रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज व CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी। इस शिकायत पर नॉर्थ वेस्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर असलम खान के निर्देशन में एक टीम गठित कर आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई गई। पुलिस की योजना के मुताबिक गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे विकास मित्तल और मोहित गोयल से कहा कि दूसरी किस्त की रकम तब देंगे जब गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला हमें लिखित में ये शपथपत्र देगी कि गैंगरेप के लगाए गए आरोप झूठे हैं। बिचौलियों से उस महिला को शपथपत्र लिखवाने के लिए साथ लाने की बात तय हो जाने पर DCP असलम खान के नेतृत्व में पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। इसके तहत गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों को 30 लाख रुपए से भरा बैग लेकर 10 जून को पहले से निर्धारित शॉपिंग मॉल में भेज दिया गया। इस मॉल के आसपास पहले से पुलिस टीम सादा कपड़ों में तैनात थी। महिला और उसके 2 साथी हुए गिरफ्तार। कुछ देर बाद एक महिला और 2 युवक उस शॉपिंग मॉल के ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों से बात की। रेप के आरोपियों ने बैग में से रकम निकालकर मेज पर रख दी ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि दूसरी किस्त का पूरा पैसा आ गया।
इसी दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने उस शॉपिंग मॉल के ऑफिस में छापा मारा। छापे के दौरान मेज पर नोटों की गड्डियों के ढेर पड़े मिले। वहां एक महिला और दो युवक मौजूद थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें वह महिला भी थी जिसने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था और पकड़े गए दो युवकों में एक मोहित गोयल और दूसरा उसका रिश्तेदार विकास मित्तल था। इनमें मोहित गोयल आजकल गाजियाबाद में और विकास मित्तल दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली पुलिस जब महिला और उसके दोनों साथियों को पकड़ कर ले जा रही थी तो गैंगरेप के आरोपियों के परिवारों की महिलाओं ने उस महिला की जमकर धुनाई कर दी। इन महिलाओं का कहना था कि यह महिला झूठा आरोप लगाकर हमारे परिवार वालों को जेल में बंद करवा चुकी है और झूठे मामले को खत्म करवाने के लिए हमसे पैसे ऐंठ रही है। बाद में थाने ले जाकर की गई पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मोहित गोयल और विकास मित्तल गैंगरेप की पीड़ित महिला के सहयोगी थे। ये दोनों युवक महिला की ओर से भिवाड़ी में दर्ज कराए गए गैंगरेप के मामले में आरोपियों के घर वालों से सौदेबाजी की रकम लेने उसके साथ आए थे। दिल्ली पुलिस उस समय हैरान रह गई जब पूछताछ में यह बात सामने आई कि मोहित गोयल नाम का जो शख्स गिरफ्तार किया था वह 251 रुपये में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बेचने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि विकास मित्तल ने एक कारोबारी से कर्ज के रूप में करोड़ों रुपये ले रखे थे। वह कारोबारी विकास पर रुपए वापस करने का दबाव बना रहा था। इसे लेकर उसका उस कारोबारी से कई बार विवाद भी हो गया था। इसे लेकर विकास परेशान था। विकास मित्तल का पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में रेस्तरां बार लाउंज है। इस लाउंज में बतौर इवेंट मैनेजर एक महिला काम करती थी। विकास ने इसी महिला के जरिए उस कारोबारी और उसके अन्य कारोबारी दोस्तों से हनी ट्रैप के जरिए पैसा वसूलने की साजिश रची थी। पूरी प्लानिंग से रची थी साजिश। इसके बाद विकास ने उस इवेंट मैनेजर महिला से बात की और उसे 30-40 लाख रुपए देने का वादा करके कारोबारियों पर गैंगरेप का आरोप लगाने के लिए राजी कर लिया। विकास ने एडवांस के तौर पर इस महिला को 4 लाख रुपए भी दे दिए। मोटी रकम मिलने के लालच में महिला विकास का साथ देने को तैयार हो गई। विकास ने कारोबारियों से रकम वसूलने के लिए अपने कजन और रिंगिंग बेल्स कंपनी के MD मोहित गोयल को तैयार कर लिया। विकास मित्तल और मोहित गोयल के कहने पर इवेंट मैनेजर महिला ने दिल्ली से 5 लोगों को जमीन खरीदने के लिए भिवाड़ी चलने की बात तय की। तय कार्यक्रम के मुताबिक दिल्ली निवासी राकेश मंगल, विष्णु बंसल, विकास जिंदल, संजय गर्ग और संदीप कौशिक 5 मई को भिवाड़ी पहुंच गए। ये पांचों लोग एक दूसरे को जानने के अलावा इवेंट मैनेजर महिला से भी परिचित थे। भिवाड़ी पहुंचकर आराम करने के बहाने इन्होंने होटल में कमरे किराए पर ले लिए। होटल में पांचों ने मौज मस्ती की। इसके बाद महिला ने उन पांचों पर गैंगरेप का आरोप लगाकर भिवाड़ी के फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर 6 मई को पांचों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ में जो बातें सामने आईं उसके मुताबिक पांचों कारोबारियों की गिरफ्तारी होने पर विकास मित्तल और मोहित गोयल ने गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों से संपर्क किया और महिला को कुछ रकम देकर शिकायत वापस लेने की बात कही। विकास के कहने पर महिला ने आरोपियों के परिजनों से 10 करोड़ रुपए मांगे। बाद में विकास और मोहित की मध्यस्थता से 2.5 करोड़ में सौदा तय हो गया। ये रकम 3 किस्तों में देने की बात तय हुई। महिला को 4 लाख दिए थे एडवांस में पहली किस्त के रूप में। आरोपियों के घर वालों ने बिचौलियों को 1.10 करोड़ रुपये दे दिए थे। ये रकम देने की कैमरे में रिकॉर्डिंग भी की गई। दूसरी किस्त में 10 जून को 30 लाख रुपए देने तय थे। तभी दिल्ली पुलिस ने जाल बिछाकर कथित पीड़ित महिला और उसके सहयोगी मोहित गोयल व विकास मित्तल को रकम लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसे विकास मित्तल ने 4 लाख रुपए देकर योजना में शामिल किया था। उसे यह नहीं पता था कि गैंगरेप के आरोपियों से मोहित गोयल और विकास मित्तल ने कितने रुपये वसूले हैं। उसे 10 जून को शपथपत्र पर दस्तखत करने के लिए बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस ने महिला और उसके दोनों सहयोगियों को 11 जून को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां ड्यूटी महानगर दंडाधिकारी सुशील कुमार ने महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाकी दो आरोपियों मोहित गोयल और विकास मित्तल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। रिमांड अवधि पूरी होने पर इन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। जांच में यह बात भी सामने आई कि दिल्ली का रेस्तरां बार लाउंज संचालक विकास मित्तल खुद को कई IAS अफसरों और राजनेताओं का नजदीकी बताता था। अधिकारियों और नेताओं से अपने अच्छे संबंधों के नाम पर वह गैंगरेप के आरोपियों के परिजनों को धमकाता था। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि विकास मित्तल और मोहित गोयल हाईप्रोफाइल हनी ट्रैप रैकेट चलाते हैं।
पुलिस को इनके खिलाफ फोन पर धोखाधड़ी की कई शिकायतें मिली हैं। पुलिस ने ऐसे पीड़ितों से लिखित में शिकायत मांगी है। लिखित में शिकायत मिलने पर शिकायतों की जांच की जाएगी। दूसरी ओर अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस का कहना है कि चूंकि इस मामले में पहले ही चालान पेश हो चुका है, इसलिए दिल्ली में पीड़िता की गिरफ्तारी और रकम के लेनदेन का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मामला अदालत में है, आगे जो भी कार्रवाई होगी वह अदालत के आदेश पर ही होगी। रिंगिंग बेल्स कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल उत्तर प्रदेश के शामली शहर में गढ़ी पुख्ता के रहने वाले राजेश गोयल का बेटा है। शामली में सेंट आरसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह नोएडा चला आया था। नोएडा में उसने एमिटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सितंबर 2015 में मोहित ने रिंगिंग बेल्स कंपनी की स्थापना की। उसी दौरान नोएडा की रहने वाली धारणा से मोहित की शादी हो गई। सस्ता स्मार्टफोन देने की घोषणा के बाद टूट पड़ा मुसीबतों का पहाड़। भारत में 251 रुपये का सबसे सस्ता स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बेचने का आइडिया मोहित का ही था। इस आइडिया को मूर्त रूप देने के काम में उसकी मदद एस्ट्रोफिजिसिस्ट अशोक चड्ढा ने की। मोहित ने अपनी कंपनी रिंगिंग बेल्स में अशोक चड्ढा को प्रेसिडेंट बनाया और नोएडा में ऑफिस खोला। उस समय इन लोगों ने ये कहकर भी प्रचार किया कि इतना सस्ता मोबाइल डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा है, इसमें सरकार भी सहयोग कर रही है। इस मोबाइल को मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजना का भी हिस्सा बताया गया। बाद में मोहित गोयल की लोगों को 251 रुपये में स्मार्टफोन देने की योजना फेल हो गई। इसका सीधा सा कारण ये था कि मोबाइल की लागत बहुत ज़्यादा आ रही थी और भरपाई कहीं से नहीं हो रही थी। अरबों खरबों रुपये का घाटा सहन करने की कंपनी की क्षमता नहीं थी। बाद में मोहित गोयल पर कई केस दर्ज हो गए। मोहित पर आरोप लगा कि उसने मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए और उनसे करोड़ों रुपए ले लिए। मोबाइल फ़ोन की योजना फ़ेल हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा नहीं लौटाया गया। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता कीर्ति सोमैया ने इसे पोंजी स्कैम बताया था। रिंगिंग बेल्स के खिलाफ पुलिस में सैकड़ों शिकायतें पहुंची थीं। पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जाँच पड़ताल शुरू की तो कंपनी के प्रमोटर भूमिगत हो गए। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने फरवरी 2017 में मोहित गोयल को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मोहित की जमानत 31 मई 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से हुई थी। इस दौरान रिंगिंग बेल्स का नोएडा ऑफिस बंद हो गया था। मोहित गोयल महत्वाकांक्षी रहा है, इसीलिए उसने भारत में 251 रुपये के स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के नाम पर एक बार तहलका मचा दिया था। अभी तो उसके खिलाफ कई जाँचें चल रही हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वह इस तरह के हनी ट्रैप के हथकंडे अपनाएगा, ये बात किसी ने सोची भी नहीं थी।